सीखे कि इससे बिजली कैसे पैदा होता है और वह घूमता है, फिर इससे बिजली प्रोड्यूस होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं सो के उठ चुका हूँ। सो आज के दिन मेरे को लगता है बहुत बोरिंग होने वाला है, लेकिन हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। चलिए अब उठते हैं। अभी मैं आपसे ब्रश करके मिलता हूँ। सो अभी ब्रश करके आ चुका हूँ और चाय बना के पी लेते हैं, फिर कुछ और करेंगे। ये लाइटर नॉर्मल लोगों के लिए, ये लेजेंड के लिए, तो हम लेजेंड हैं। घर का इधर उधर का काम है वो कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और बात करते हैं। सो गाइस, अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और अब टाइम है असिस्टेंट को काम करवाने का। मेरे असिस्टेंट चुटकी से काम करती है। चलो अभी तैयार होते हैं। असिस्टेंट शर्ट, ये देखो हो गया ना शर्ट। एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो देखने वालों, यहाँ हर काम चुटकी से हो जाता है, लेकिन करने वाला है नहीं ना, इसलिए चुटकी को जाना पड़ता है। चलिए फिर ठीक है, तो थोड़ी अभी धूप में चलते हैं, बहुत ठंडी लग रहा है मेरे को। तो अभी छत में चलते हैं, थोड़ी ठंडी लग गया, बहुत ठंड है ना, आपसे थोड़ी सी बात भी करना है। हाँ, लेट तो हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी लेट ही जाएंगे क्योंकि वहाँ बैठने से कोई मतलब है नहीं। चलिए एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा है ये, देखिए गुलाब किला कितना प्यारा। गुलाब तो है लेकिन कोई लेने वाली नहीं है। 11:30 हो गया, जाना पड़ेगा कॉलेज, चले फिर। बाय बाय बाय, मिलते हैं। ये लॉक, ओए मैंने तो खिड़की बंद किया ही नहीं। ओके, असिस्टेंट को बोलता हूँ करने को। असिस्टेंट, विंडो क्लोज। विंडो क्लोज हो चुका है और अब लाइट बंद करते हैं। असिस्टेंट, लाइट बंद हो चुका है, ये भी लाइट बंद हो चुका है, बंद ये भी। कुंडी मैं खुद लगा लूंगा। अभी डार्लिंग उठाना पड़ेगा। डार्लिंग उठो, उठो ना, कॉलेज जाना है। उठोगी तब तक, उठने वाली है तब तक। लगता है उठ गई, अब जाने के लिए तैयार है हम कॉलेज। चलिए चलते हैं, कॉलेज में मिलेंगे। कॉपी तो यहाँ है यार, ये रहा कॉपी। चलिए अब। सो फाइनली मैं आईटीआई कॉलेज पहुँच चुका हूँ और चलते हैं अब क्लास में। कॉलेज आया और खाना खाना भूल गया यार, ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन मैं हर कुछ भूल जाता हूँ। यह हम लोग के गुरु जी पढ़ाते हैं, आईटीआई गुरु जी। डिटेल में बताने का मतलब है, इसको आप समझिए। जानते हो जी, मैं एक
बोलो तो पूरे जनते हो इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब उसके आगे नहीं नील नील दस नील पद्म दस पद्म संघ सर मिनिमम कितना बोल्ट में करंट मारता है मिनिमम नब्बे या नब्बे से अधिक बोल्ट होगा तो आपको सामने जी। अभी जस्ट मैं घर पहुंचा हूं और सबसे पहले खाना खाते हैं फिर चलते हैं मार्केट क्योंकि सब्जी भी लाना है ना। तो अभी खाने में है चावल और ये पालक की सब्जी। खाना मैंने खा लिया है और अब चलते हैं मार्केट सब्जी लेने। चलिए चलते हैं मार्केट में मैं आपसे मिलता हूँ। अभी मैं मार्केट आ चुका हूँ और जा रहा हूँ मैं सब्जी लेने। ये रहा सब्जी मंडी। गोभी कैसे 30 रुपए किलो 20 तो गोभी कैसे 30 की 20 30 20 दे दो ना एक किलो। कितना 20 देना है देखो तो 20 है सब्जी लेके घर आ चुका हूँ मैं। अब इसको फ्रिज में डाल देते हैं। तो ये है बिजली प्रोड्यूस करने वाला और ये प्लस ये माइनस है। तो इसमें मैं हम लोग सीखे कि इससे बिजली कैसे पैदा होता है और बाकी मैं आपको घर जाके एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर कॉइल रहता है ये बंधा हुआ है और इसमें मैग्नेट घूमता है फिर इससे बिजली प्रोड्यूस होता है। अभी जो आप बिजली प्रोड्यूस होने वाला यंत्र देखे उसको घुमाने का जुगाड़ फिट किया गया है। अगर उसको जो घुमाने का जुगाड़ अगर फिट कर दें जैसे कि विंड सील होता है अपना पवन चक्की ये सेम वही प्रोसेस है जैसे कि पवन चक्की में घूमता है फिर कॉइल रहता है कॉइल में मैग्नेट रहता है मैग्नेट जब घूमता है तो उससे बिजली प्रोड्यूस होता है। बस यही प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। उसी तरह वो जो यंत्र आप देखे उसको भी घुमाने का जुगाड़ फिट किया गया है वो इलेक्ट्रिसिटी से घूमता है और सिर्फ दिखाने के लिए स्टूडेंट को सिखाने के लिए है कि ये घूमता है और जितना स्पीड घूमेगा उतना ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा। अगर उसको हाथ से घुमाएंगे तो कम बिजली प्रोड्यूस होगा इसलिए उसको मोटर से घुमाया जा रहा है स्टूडेंट लोगों को दिखाने के लिए। बस इतना ही था बहुत ही सिंपल। चलिए ठीक है फिर इतना तक वीडियो देखे तो आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय। तो अभी मैं खाना वाना खा चुका हूँ और रात के अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।